पर हमारी जो पार्टी है भाजपा, इसमें कहीं ना कहीं वापस फिर से मोदी जी की लहर है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा ऊँची है, बिल्कुल ऊपर तक जा चुकी। बदलाव ही हो पहले तो ना, हिंदू कहीं जा रहा ना मुस्लिम कहीं जा रहा, सभी इस देश में ही रहेंगे। पब्लिक को गुमराह करते हैं, अंधभक्त है ना, उनको मन को शांति मिल जाती बस इस शब्द कहने से, बाकी कुछ है। महंगाई इतनी होगी कहने के अधनी, 20,000 रुपये सोना था 65,000 हो गया। विपक्ष को ये बात खलती है कि मोदी जी वहाँ जाके ये कर रहे हैं, वहाँ जाके वो, अरे कर तो हमारे देश के लिए रहे, किसी बाहर के लिए तो नहीं कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बात की जाए तो सियासत में जिस तरीके से गर्म की तपन चल रही है, उसका सितम चल रहा है, तो वही विपक्ष को चाहिए कि छांव की पनाह मिल जाए। लेकिन इसमें आम जनता उसको किस तरीके से देख रही है कि उनकी कि नेता की लकीरों की अगर बात की जाए तो किस्मत का ताला खोल देती है आम जनता, लेकिन आम जनता के लिए धरातल पर उसके मुद्दे क्या हैं ये जानने वाला विषय रहता है। क्योंकि अगर देखा जाए, चाहे सत्ता पर काबिज हो या फिर विपक्षी दल, अपने अपने मुद्दों को लगता रहता है और सियासत गर्माती जाती, लेकिन आम जनता इसको किस तरीके से देख रही है आइए जान लेते हैं। 2024 के चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, जैसे जैसे समय आ रहा है, आम जनता के बीच मुद्दे क्या हैं उनके? जैसे कि मैं मिस्टर इमरान हैदर सैयद जैदी, मैं ये कहना चाहूँगा 2024 के लिए, 2024 का जो चुनाव है आने वाला, अभी विपक्ष के पास कोई चेहरा तो है नहीं, राहुल गांधी हैं। मैं समर्थक करता हूँ भाजपा का, मोदी जी का, पर हमारी जो पार्टी है भाजपा, इसमें कहीं ना कहीं वापस फिर से मोदी जी की लहर है। आने वाले चुनाव में 2024 के आदरणीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे जी। जैसे कि आज तक सबसे ज़्यादा विकास और यूपी में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके के गैंगस्टरों वगैरह का इनका सफाया किया है, और विकास में भी काफ़ी वृद्धि की है इन्होंने, काफ़ी तरक्की की है, और माफिया जिस तरीके से थे आज उन लोगों की हालत ख़राब है, क्राइम होने से भी डरता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक है। सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी कभी गलत नहीं करते, जो गलत करते हैं वो छोटे मोटे कार्यकर्ता जो आपस में लड़ाने का, आज़ादी भाद ये करना वो करना, सभी का योगदान हमारे देश में आज़ादी का है। बताया, विपक्ष की बात भी रखी, पक्ष की बात रखी, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि 9 सालों में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जो है बीजेपी पर वार हावी हो सकता है? विपक्ष इसी बात पे हावी हो रहा है कि मोदी जी घूम रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं। आज तक मुझे ये बता दो, इस देश के अंदर कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा जो बाहर इतनी यात्रा करा, या जितना हमारे आदरणीय मोदी जी ने हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ काम किया है, बाहर से नीति अच्छी की, देश विदेशों में जाना, और जो भी काम ला रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए लेके आ रहे हैं। विपक्ष को ये बात खलती है कि मोदी जी वहाँ जाके ये कर रहे हैं, वहाँ जाके वो, अरे कर तो हमारे देश के लिए रहे, किसी बाहर के लिए तो नहीं कर रहे। हमारे देश में जो आज तक किया है मोदी जी ने, 9 सालों में काफ़ी कार्य किया है और आने वाले वक्त में भी काम करेंगे। लेकिन अगर गठबंधन हो जाए? गठबंधन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो घर में ही इनके फूट है, तो गठबंधन कैसे चलेगा मुझे ये बताइए, कैसे चलेगा जब इनमें आपस में ये भी फूट है, तो इनके गठबंधन के लिए किसके पास क्या चेहरा है मुझे ये बताइए। हमारे पास तो है आदरणीय मोदी जी हैं, हमारे योगी जी भी हैं, एक से एक हमारे पास दिग्गज नेता पड़े हैं, इनके पास विपक्ष के क्या चीज़ है मुझे ये बताइए। आप कोई सा एक चेहरा मुझे बता दो, नीतीश है, नीतीश कुमार जी और हैं, अखिलेश यादव जी हैं, किसी के पास कोई चेहरा नहीं है ढंग का। इनके हिसाब से विपक्ष के पास जब चेहरा ही नहीं है तो उसको चर्चा का विषय नहीं बनता, आपको क्या लगता है? मतदान नहीं करेंगे? मतदान तो मतदान तो करें, क्या लग रहा है? क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर के सत्ता पर काबिज जो सरकार है उसको घेर रहा है, क्या वाकई लगता है घेर पाएगा? मुश्किल है, नहीं घेर पाएगा, मुश्किल है से जो है मुश्किल है। आइए और लोगों से भी हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल कोई भी पक्ष विपक्ष अपने अपने मुद्दे रख देते हैं, लेकिन आम जनता के जो मुद्दे होते हैं उस पर तो कभी बात ही नहीं होती है। बात हो गई, बहुत विकास हो गया, उन्होंने कह दिया कि महंगाई है, धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन आम जनता क्या सोचती है, आम जनता को क्या लगता है कि किन मुद्दों पर काम हुआ है बीते 9 सालों में और किन मुद्दों पर नहीं हुआ है? ये तो देख के बताइए, विपक्ष सारी चीज़ों के बारे में पब्लिक बताएगी, सारी चीज़ें कैसे क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर आपसे क्या लगता है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा ऊँची है, बिल्कुल ऊपर तक जा चुकी है महंगाई बड़ी, और रोजगार का मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष घसीट रही है, रोजगार तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, मार्केट खत्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं है, मार्केट में आते नहीं है, जब से 2000 की सुनी है, अब सुना
500 का भी होने वाला है, तो ये मामला है जी। भ्रष्टाचार, हिंदुत्व और विकास की राह पर जो है बीजेपी चलती है, लेकिन विपक्ष कहता है केवल उनके पास घूमने का काम है, हिंदुत्व की राजनीति, धर्म की राजनीति करते हैं, आपको क्या लगता है? इस तरह कुछ नहीं है, तो मिसगाइड वाली बातें हैं सर। लेकिन क्या चाहते हैं 2024 में बदलाव हो या वापसी? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव की मांग है। अगर विपक्ष में फिर भी कोई चेहरा ऐसा दिख रहा है? देखिए आइए, वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कोई डिसाइड करेंगे इसके अंदर। तो देखिए इनका कहना है, और लोग हैं जान लेते हैं उनसे। 50-50 है मैम, हुआ भी है नहीं भी हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं भी हुई हैं। जैसे कुछ बता सकते हैं? कुछ बेरोजगारी भी बढ़ी है थोड़ी, ऐसी बात नहीं है। बदलाव चाहते हैं या बात वो ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हुआ है। हाँ जी, 50-50 है। बदलाव हो या वापसी? बदलाव ही हो पहले तो। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आम जनता के जो मुद्दे हैं उस पे तो लगता है कि सियासत कभी गरमाती ही नहीं है। वो मोदी जी ने ये पहन लिया, वो देश चले गए, ये तमाम मुद्दे उठ जाते हैं, हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। लेकिन अगर विकास की बात करें तो 9 साल में विकास देखा है? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और जो थे वो और खड़े रह गए। और क्या मुद्दे हो सकते हैं जो बीजेपी के लिए इस बार हावी होंगे? कर्नाटक में पता चल गया नहीं मोदी जी को, आगे भी पता चल जाएगा। हाँ, जब पब्लिक देखेगी, पब्लिक करेगी, पब्लिक को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो पब्लिक ही देखेगी। तो मतलब आम जनता का भी मुद्दा यही है, रोजगार। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा सफल रही कर्नाटक में, आपने उसका जिक्र किया, क्या लगता है कि अगर और इधर यूपी साइड चल गई तो बदलाव देखा जाएगा? देखो जी क्या होता है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 9-10 महीने पड़े हैं। सियासत है, कुछ भी हो सकता है। सियासत है, कुछ भी हो सकता है, आपको क्या लगता है? वही है, समय है अभी। राहुल जी आए, आ भी सकते हैं, बीजेपी के काम से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट होते तो लोग इतनी भीड़ क्यों होती? बेरोजगारी तो है ही है। बोला जाता है कि बीजेपी के पास मुद्दा केवल भ्रष्टाचार, हिंदुत्व और विकास का रहता है, आपको लगता है क्या इन तीनों मुद्दों पर काम हो रहा है? नहीं, इनका तो ये राजनीति है, हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना हिंदू कहीं जा रहा, ना मुस्लिम कहीं जा रहा, सभी इस देश में ही रहेंगे। ये तो लोगों को, पब्लिक को गुमराह करते हैं, अंधभक्त है ना, उनको मन को शांति मिल जाती है बस इस शब्द कहने से, बाकी कुछ नहीं। मतलब बीजेपी को जो सपोर्ट करते हैं वो अंधभक्त? अंधभक्त होते हैं, दर्द उनके भी है, लेकिन किल्ला कह नहीं सकते। दर्द तो है, परेशान तो है, लेकिन कह नहीं सकते। क्यों इतना काहे प्रेम करते? अब उनके अंध व्यक्ति है, अब जो करते हैं उनका अंध भक्तों को क्या कह सकते हैं। आम आदमी प्रेम नहीं करता उनसे, बीजेपी राजनीति से भी प्रेम करना बंद हो गया। बीजेपी और कांग्रेस का तो क्या देखेंगे। अच्छा, लेकिन बता रहे हैं जो बीजेपी को मानते हैं अंधभक्त हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं। सब भेड़ चाल है, कुछ नहीं है। महंगाई इतनी होगी, कहने की इतनी 20,000 रुपये सोना था 65,000 हो गया। जो 40 रुपये पेट्रोल बताया था वो आज 96-97 रुपये है, 107 रुपये। जब बीजेपी सरकार आई थी तो ये कहा था 40 रुपये पेट्रोल होना चाहिए। बदलाव क्या हुई, इतना महंगाई हो गया कि क्या करेगा आदमी। तो लगातार सियासत गर्माती जा रही है, चुनाव नज़दीक है, आम जनता के जो मुद्दे हैं, माहौल है, वो हम आपसे लगातार साझा कर रहे हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहें सौगंध टीवी पर, कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।